हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज एप्पल ने जो है एक प्रेस रिलीज के थ्रू नए आईपैड प्रोज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। उनके साथ साथ एक नया आईपैड एयर भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये कोरोना वायरस के स्प्रेड की वजह से एप्पल ने जो है वो कोई अपना इवेंट नहीं रखा, जिसमें नॉर्मली ज़्यादातर वो जो भी कोई अपने नए डिवाइसेस को लॉन्च करते थे तो एक प्रेस रिलीज इवेंट करते थे, जिसमें कि काफ़ी सारे जो टेक वर्ल्ड के जो भी लोग होते थे वो सारे इकट्ठे होते थे और उसके बाद वहाँ पर उन सबके सामने जो है अनाउंसमेंट होती थी नए प्रोडक्ट्स की और उनको साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स को देखने का और उनको यूज़ करने का भी एक्सपीरियंस जो है वहीं पे मिलता था। बट कोरोना वायरस की वजह से और जो डिफरेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं उनके कारण एप्पल ने इस बार इन तीन डिवाइसेस उन्होंने लॉन्च किए हैं, तो तीनों के तीनों उन्होंने एक प्रेस रिलीज के थ्रू ही लॉन्च किए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज उन डिवाइसेस के बारे में कि क्या खास है उन नए डिवाइसेस में और क्या क्या आपको फीचर्स इस बार मिलेंगे नए आईपैड प्रोज में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर के जो आईपैड प्रोज थे और मैकबुक एयर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू आईपैड प्रोज की। इस बार ये जो आईपैड प्रोज आए हैं, डिज़ाइन जो है वो सेम ओल्ड लास्ट ईयर के आईपैड प्रोज वाला ही है। सेम दो कलर निकाले हैं उन्होंने, सिल्वर और स्पेस ग्रे। अब जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इस बार आपको नया मिलेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस आईपैड प्रोज। तो इस बार सबसे पहले आप जो नए आईपैड प्रोज आए हैं उनमें आपको मिलेंगे दो कैमराज, जस्ट लाइक आईफोन 11, जिसमें कि एक जो मेन कैमरा है वो लास्ट ईयर के वाला ही है, सेम 12 मेगापिक्सल का वाइड, और जो सेकेंड है वो है 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जिसमें 2x तक ऑप्टिकल जूम आपको मिलेगा और 5x तक डिजिटल जूम। इसके अलावा जो कुछ नई चीज़ें इस बार एप्पल ने इस नए आईपैड प्रोज में दी है, उनमें से सबसे पहली चीज़ है इस बार इनमें आपको मिलेगा लिडार स्कैनर, LiDAR स्कैनर। इस स्कैनर का फ़ायदा ये होगा कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी में जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जैसे कि प्रीवियसली आईफोन्स और आईपैड सब में कोई भी AR की ऐप अगर आप यूज़ करते थे तो वो वाया कैमरा यूज़ होती थी, बट अब जो है वो इस स्कैनर के थ्रू यूज़ होगी, जिससे कि काफ़ी बेनिफिट और वो जो AR जो है वो अलग लेवल पे आपको फील होगा उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का। और इसके कुछ और बेनिफिट्स जो हैं उनमें से एक ये है कि जैसे भी आप कैमरा से पोर्ट्रेट इमेजेस लेते हैं तो उसमें डेप्थ सेंसिंग में भी ये जो है लिडार जो है वो काम आएगा, और किसी भी इंडोर या आउटडोर अगर कहीं पर भी आप हैं और कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो लिडार स्कैनर की मदद से आप उसकी जो है डिस्टेंस को अप टू 5 meters तक मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ लिडार स्कैनर के बेनिफिट्स होंगे। जो मेन इसका जो पर्पज़ है वो AR के लिए ही है, अदरवाइज़ कैमरे के उसमें तो इसका सिर्फ डेप्थ सेंसिंग का ही जो मेन काम है। और इसके अलावा जो कुछ आपको नया इस बार मिल रहा है इनमें वो है कि लास्ट ईयर के जो आईपैड प्रोज थे उनमें बेस स्टोरेज 64GB से स्टार्ट थी, बट इस बार जो है 128GB जो है वो बेस स्टोरेज होगी। प्राइस जो है ऑलमोस्ट का एग्जैक्टली सेम ही है, US में $799 से ही स्टार्ट है 11 inch वाला और 999 से 12.9 inch वाला। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इस बार इसमें नई है वो है नया प्रोसेसर। लास्ट ईयर वाले में A12 बायोनिक था, बट इस वाले में जो है A12z बायोनिक, Z बायोनिक जो है नया प्रोसेसर है, और ऑब्वियसली वो A12 से तो ज़्यादा बेटर ही होगा परफॉर्मेंस में, विद 64-bit आर्किटेक्चर एंड 8 cores हैं इसमें। लास्ट ईयर वाले में भी 8 cores ही थे। और इसी के साथ साथ एप्पल ने इस बार जो है न्यू मैजिक कीबोर्ड निकाला है विद ट्रैक पैड। ये जो नया कीबोर्ड है एप्पल ने नए आईपैड प्रोज के साथ निकाला है, जो कि लास्ट ईयर के आईपैड प्रोज के साथ भी कंपेटिबल है। इस बार इस वाले कीबोर्ड में आपको एक डेडिकेटेड ट्रैक पैड मिलेगा विद मल्टी टच जेस्टर सपोर्ट के साथ, और ये लास्ट ईयर वाले फोलियो कीबोर्ड से डिफरेंट है, क्योंकि फोलियो कीबोर्ड में जो है आईपैड्स माउंट होते थे, इस वाले में ये माउंट नहीं होगा। इनफैक्ट ये एक सर्टेन एंगल पे एडजस्ट आप इसको कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको किसी भी डिग्री पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकेंगे। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख भी रहा होगा इस तरीके से इसका डिज़ाइन होगा। और ये जो कीबोर्ड है ये iPad OS 13.4 जो कि मार्च 24th को लॉन्च होगा, उसमें नए आईपैड प्रोज में और ओल्ड आईपैड जो है उनमें जो है ये मैजिक कीबोर्ड इसका सपोर्ट आ जाएगा। बट ये जो मैजिक कीबोर्ड है ये अभी मई में अवेलेबल होगा। अभी फिलहाल जो है आईपैड प्रोज ही हैं जो आज वेडनेसडे से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो गए हैं US में, और जिन जिन कंट्रीज़ में एप्पल के स्टोर्स हैं उन कंट्रीज़ में। इंडिया में अभी आने में इनको थोड़ा समय लगेगा, शायद नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे। अभी ड्यू टू कोरोना वायरस थोड़ा इशू भी चल रहा है इस चीज़ में, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट होपफुली नेक्स्ट मंथ तक इंडिया में डेफिनेटली आ जाएंगे। ये जो मैजिक कीबोर्ड है ये 30 languages को सपोर्ट करेगा, और इसी के साथ साथ इस बार जो नए आईपैड प्रोज हैं उनमें आप ब्लूटूथ वाले माउस और ब्लूटूथ कीबोर्ड जो है वो भी सपोर्ट है, तो आप ब्लूटूथ वाले माउस और कीबोर्ड को भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
बाकी इस बार के जो iPad Pros हैं उनमें भी आपको सेम वही डिज़ाइन मिलेगा, उसके साथ सेम USB टाइप सी जो है चार्जिंग होगी, 1 मीटर की डाटा केबल आपको मिलेगी और उसके साथ साथ सेफायर क्रिस्टल ग्लास होगा उसके कैमरा लेंस पे और 4 स्पीकर्स होंगे जैसे कि लास्ट ईयर वाले में भी थे। इसी के साथ साथ एप्पल ने इस बार इसमें 5 माइक्रोफोन्स दिए हैं वो भी स्टूडियो क्वालिटी के, जिनसे कि आप जब भी अपनी वीडियोज रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें जो है आपको साउंड क्वालिटी जो है वो एकदम स्टूडियो लाइक मिलेगी, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी होगी। इसके अलावा जो है जो सेलुलर वाले iPads Pros होंगे उनमें जो है नैनो सिम और ई सिम दोनों का सपोर्ट है, तो आप नैनो सिम और ई सिम दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बैटरी मिलेगी वो 11 इंच वाले में मिलेगी 28.65 वाट आर की और 12.9 इंच वाले में आपको मिलेगी 36.71 वाट आर्स। दोनों में ही बैटरी जो है अप टू 10 आवर्स की बैटरी लाइफ दिखाई गई है और एक्चुअल में बैटरी उनकी है भी काफ़ी बेटर, तो बैटरी लाइफ उनकी काफ़ी अच्छी होगी। इसी के साथ साथ आपको सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा डिस्प्ले में। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इनका प्राइस जो कि इंडिया में होगा। यूएस के प्राइसेस तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, जैसे कि यूएस में $799 से इसके प्राइसिंग स्टार्ट है 11 इंच की और $999 से 12.9 इंच वाले की, बट इंडिया में जो इनकी प्राइसिंग है वो बेस मॉडल 128GB वाईफाई वाले की जो प्राइसिंग होगी वो है 71,900 और वाईफाई प्लस सेलुलर वाले की है 85,900 और वहीं 12.9 इंच वाले की जो प्राइसिंग है वो है 128GB वाईफाई वाले की 89,900 और 128GB वाईफाई प्लस सेलुलर वाले की 103,900। और जो अब बात करता हूँ मैजिक कीबोर्ड की, जो नया कीबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया है यूएस में, जो उसकी प्राइसिंग है वो 11 इंच वाले के लिए $299 है और 12.9 इंच वाले के लिए $349 है, बट इंडिया में जो उसकी प्राइसिंग आएगी वो आएगी 11 इंच वाले के लिए 27,900 और 12.9 इंच वाले के लिए 31,900। इसी के अलावा एप्पल पेंसिल जनरेशन 2 जो है वो सेम वही iPad Pro लास्ट ईयर वालों को भी सपोर्ट करती थी और इनको भी सपोर्ट करती है, तो उसकी तो जो इंडिया प्राइसिंग है वही 10,500-11,000 के आसपास जो है वही रहेगी। और उसी के साथ साथ आप पुराना जो कीबोर्ड फोलियो जो iPad Pros के साथ लॉन्च हुआ था वो भी इसमें कंपैटिबल है, तो अगर कोई नया मैजिक कीबोर्ड ना लेना चाहे और वो पुराने वाले को यूज़ करना चाहे तो वो उसको भी परचेज कर सकते हैं, वो भी उसके साथ कंपैटिबल है। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ एप्पल ने लॉन्च की है वो है नया मैकबुक एयर 2020 और लास्ट ईयर वाले मैकबुक एयर के कंपैरिजन में जो कुछ डिफरेंसेस आपको इस बार मिलेंगे वो है नया रीडिजाइन मैजिक कीबोर्ड, जिससे कि जो एरर्स और मिसटाइप जो पहले गलती से कुछ गलत आप टाइप कुछ और करते थे और दूसरी की का रिस्पांस आता था तो वो सारे जो एरर्स है वो इसमें रेक्टिफाई किए गए हैं। इसके अलावा आपको जो है 20% लार्जर ट्रैक पैड इसमें मिलेगा और इस बार जो नया मैकबुक एयर है वो सपोर्ट करता है अप टू 6K रेजोल्यूशन वाले एक्सटर्नल डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ थंडरबोल्ट 3 पोर्ट। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी एप्पल ने इस बार की है वो सेम वही iPad Pro का वाला ही इसमें किया गया है कि इस बार आपको जो बेस स्टोरेज है वो इंस्टेड ऑफ 128GB 256GB मिलेगी, तो जो बेस मॉडल है वो स्टार्टिंग 256GB से होगा। इसके अलावा इस बार जो iPad MacBook Air 2020 है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 2 times फास्टर होगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर MacBook Air। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि US में वो सेम लास्ट ईयर वाले प्राइस पे ही लॉन्च हो रहा है $999 पे, बट इंडिया में जो इसकी प्राइसिंग आई है वो आई है 92,900। अभी बाकी इंडिया में इनको ऑफिशियली लॉन्च होने में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसकी वजह से सारा शिपिंग और ये सब कुछ जो है वो बंद हो चुका है, तो बट आने वाले मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर अंदर इंडिया में भी ये लॉन्च हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इस बार मैकबुक एयर में नए स्टूडियो स्पीकर्स दिए गए हैं जिनसे कि साउंड जो है वो काफ़ी बेटर आएगी और इसमें 3 माइक्रोफोन्स हैं और इसी के साथ साथ जो मैक्सिमम स्टोरेज है वो इसमें आपको मिलेगी अप टू 2 TB। बाकी थर्ड चीज़ जो एप्पल ने लॉन्च की है वो है मैक मिनी, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे नया मैक मिनी भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है वो भी एप्पल का और वो भी इसके साथ लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ 3 चीज़ें थी जो एप्पल ने अपने इस इवेंट में प्रेस रिलीज में लॉन्च किए ऑनलाइन। और इनके अलावा जैसे कि एप्पल का जो हर साल का WWDC इवेंट होता था इस बार वो जून में है और वो भी इस बार एप्पल ने कन्फर्म किया है कि वो ऑनलाइन ही होगा ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेज। और इस बार एप्पल ने बोला है कि ये जितने भी इवेंट्स अपने वो करेंगे वो मोस्टली ऑनलाइन ही करेंगे, जिससे कि अभी जो सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का जो अभी गाइडलाइंस दी गई है वो भी उनका बरकरार रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। बाकी अभी जो है ये अवेलेबिलिटी इनकी सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही ऑर्डर हो सकते हैं और अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ US में ही अवेलेबल हैं ये, और अगर कोई इनको पर्सनली जाके देखना चाहता है तो वो अभी पॉसिबल है नहीं क्योंकि आउटसाइड द US 27 मार्च तक सारे एप्पल स्टोर्स जो है वो बंद रहेंगे और US में वो इनडेफिनेटली बंद है, यानी कि अनिश्चित काल तक वो बंद रहेंगे जब तक सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव ना हो जाए, उसके बाद ही जाके अगर कोई इनको पर्सनली पहले देखना चाहे उसके बाद परचेज करना चाहे
तो वो उसके बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। इंडिया में तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अभी तक तो इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कब तक ये लॉन्च होंगे, बट जैसी सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होती है तो मे बी अप्रैल या फिर मई तक तो ये डेफिनेटली इंडिया में आ जाएंगे। इसके अलावा बात रही एप्पल के मार्च इवेंट की, जो कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि मार्च में एप्पल एक इवेंट करेगा जिसमें कि वो नए आईफोन 9 सपोजिटली उसको लॉन्च कर सकता है, बट ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक अभी शायद से वो जो भी कुछ उनके इवेंट्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं, और आईफोन 9 जो है वो भी शायद से उसका जो लॉन्च है मे बी या तो रुकी जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो चाइना में ही होती है और चाइना में अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, कोई प्रोडक्शन अभी हो नहीं रही है। तो अभी के लिए तो आई गेस आईफोन 9 जो है उसका लॉन्च जो है वो शायद काफ़ी लंबे समय के लिए पोस्टपोन हो सकता है, और जो इवेंट है वो भी अब तो ऑनलाइन ही होगा, और जब होगा उसकी डेट भी एप्पल बाद में अनाउंस करेगा। अभी के लिए फिलहाल मार्च में कोई इवेंट एप्पल का नहीं होगा। बाकी गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। गुड बाय एंड टेक केयर।